हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो चैप्टर है वो तकरीबन आखिरी आखिरी होने वाला है, ख़त्म ही होने वाला है, बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे है। बहुत लंबा हो गया ये यूनिट, ही बहुत लंबी है, इसको समझना पड़ता है। इसके बाद पूरे आने वाले जो भी चैप्टर्स होते हैं थोड़ा आसान एज़ कम्पेयर टू दिस वो आसान होते जाते हैं, इसलिए थोड़ा लंबा पड़ना पड़ा। आज हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा एन जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के परपेंडिकुलर होता है, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं, इस सिग्मा एन को। तो इसके दो कंपोनेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक को सिग्मा वन बोलेंगे, एक को सिग्मा टू बोलेंगे। ये हम लोग डेराइव करने वाले हैं कि ये कितना आएगा। चलिए करते हैं दो फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिनसे कि हम इसे डिवाइड करेंगे। एक है सिग्मा एन, और सिग्मा एन और टाउ कहाँ से आया है अगर आपने नहीं देखा है तो उस विचार वीडियो को फिर से जाकर पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा, ये होता है प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा। और टाउ कितना था, टाउ इक्वल टू था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वही चलते हैं, हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन पर टाउ इक्वल टू जीरो होता है। ये जो टाउ है ना सिग्मा टेंजेंशियल, जो टी टाउ शेयर स्ट्रेस जिसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये अपना जीरो होता है, ठीक है। तो इसको जीरो कर देंगे, प्रिंसिपल प्लेन की बात हो रही है तो जीरो करेंगे अगर इसको, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इस माइनस एक्स वाई टाउ एक्स वाई कॉस थीटा को इधर देकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई cos 2 theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta, है ना। अब इसको इधर और इस cos को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, tau xy by sigma x minus sigma y by 2 इज इक्वल टू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टैन, टैन टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू। दिस इज, इसको हम लोग ऑब्लिक्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिक्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ये याद रखेंगे और इससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक, और क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये टैन टू थीटा है दैट मीन्स ये टू थीटा एंगल है, और ये क्या है P यानी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है B यानी बेस है। इस 2 को हम ऊपर भेज देते हैं, काम करते हैं इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो परपेंडिकुलर 2xy हो गया और बेस सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि tan x इज इक्वल टू P बाई बी होता है, तो P बाई बी होता है तो हम इसको P कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं और H निकाल लेते हैं। एच निकालने के बाद क्या करेंगे, हम कॉस टू थीटा निकाल लेंगे, साइन टू थीटा निकाल लेंगे, और यहां से कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, कुछ ना कुछ हमारा आ जाएगा, है ना। जो वो कुछ आएगा उस वैल्यू को रखने के बाद उसको हम सोल्व आउट करेंगे, दो वैल्यू आएगी, एक को सिग्मा वन बोलेंगे यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और एक को सिग्मा टू बोलेंगे यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बस हमारा निकल जाएगा, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं,
आइए बनाते हैं हम ट्राइंगल, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा हमारा थीटा। चलिए हमने ऐसा पढ़ा है तो दिमाग में हमारे ऐसा छप गया है कि ये वाला थीटा है, फिर तो यही वाला रहने देते हैं। मान लीजिए ये टू थीटा हो गया, ठीक है, टू थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। मान लीजिए ये टू एक्स वाई हो गया, टू टाउ एक्स वाई, एक्स वाई इससे यहाँ लिखते हैं, और ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, हमारा फाइंड आउट करेंगे अगर हम लोग, तो हाइपोटेनस, दिस इज आवर हाइपोटेनस, कैसे निकलेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस, लेट मी डू वन थिंग, इसको टू रहने दीजिए, इस टू को यहाँ रहने देते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर। वैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लीजिए मैंने कर दिया, ये निकल गया हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये निकल गया, एच निकल गया, पी ये है, प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, रूट के अंदर है तो प्लस माइनस लगाया। इसी में से एक जो प्लस आएगा वो मेजर वाला हो जाएगा, माइनस आएगा वो माइनर वाला हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, अब अपना निकल चुका है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस टू थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है दिस, हाइपोटेनस कितना है दिस, तो दिस विल बी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और इसी तरह से ये कॉस टू थीटा हो गया, इसकी जगह पर ये रख देंगे, इसी तरह से साइन टू थीटा यहाँ पर है, तो साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है टाउ एक्स वाई, हाइपोटेनस कितना है यही, प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये है हमारा, ये हो गया हमारा साइन टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेगा निकल गया, अब इससे ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था वो सिर्फ इसको और इसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया था, ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा की जगह पर ये दोनों वैल्यू उठा करके रख देंगे, ठीक है, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा की जगह पर ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कॉस टू थीटा की जगह पर ये वैल्यू है कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा की वैल्यू ये रही, यहां पे प्लस माइनस भी है, ये वैल्यू है टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस रूट अंडर सेम वही है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों मिलकर के स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के स्क्वायर हो जाएंगे,
और यहाँ पे नीचे ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल कॉमन हो सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। अब बिल्कुल कैलकुलेशन बचा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। प्लस माइनस दिस विल बी कॉमन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, प्लस माइनस कॉमन ले लिया और नीचे वाला ये कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर हो गया प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्या ऊपर में मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट भी लगा दो और स्क्वायर भी लगा दो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ठीक है, इसके अंदर मैं इस स्क्वायर को अंदर में भेजूंगा, बताता हूं क्यों किया। ठीक, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ रूट है तो दोनों अंदर में रूट आ जाएगा, ऊपर वाले में स्क्वायर भी है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, और इनका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये जो है यहां से लेके यहां तक टर्म, यहां से लेके यहां तक टर्म दोनों बराबर है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर टू है, एक से एक तो कट ही सकता है ना, एक बच जाएगा, ठीक है, और रूट के अंदर में बचेगा, है ना, रूट के अंदर में बचेगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और अब आ गया अपना फॉर्मूला, क्या आया देखिए, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये बचा है रूट के अंडर, बस निकल गया हमारा। मैंने बोला था सिग्मा एन जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेसेस, वन इज मेजर एंड सेकेंड वन इज माइनर, तो इसमें से जो प्लस है वो हो जाएगा सिग्मा वन और जो माइनस है वो हो जाएगा सिग्मा टू, तो सिग्मा वन कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या सिग्मा वन। नेक्स्ट इज इसी में प्लस की जगह यहां पे है ना प्लस माइनस दिया हुआ है, तो एक बार प्लस रखोगे तो इसे कहेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसी की जगह यहां ये प्लस दिया तो मेजर और माइनस दिया तो माइनर, माइनस दिया यहां पर तो क्या हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ साइन जो है वो प्लस और माइनस हो गया, तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब ये आखिरी टॉपिक था हमारा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो एनालिटिकल मेथड था उसका ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद अब हमारा इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे और मोर सर्कल पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा बचता है वो बचता है मोर सर्कल, इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक आध न्यूमेरिकल बना के देखेंगे किस तरह से पूछता है, और मोर सर्कल जो हमारा के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है मोर सर्कल, उसके बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आई नो कि ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए ज्यादा लेक्चर खींच गया है।
बहरहाल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल और मोहर सर्कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाकी की बाकी कोर्स की जानकारी आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू।